मेरा नाम संतोष है अगले पंद्रह मिनट तक अपना अटेंशन यही रखना एंड देन यू सी कि इफ एवर किन आस्क यू एनी क्वेश्चन अबाउट प्लेट टेक्टोनिक यू विल वेरी वेरी इजीली आंसर इट प्लेट टेक्टोनिक क्या होती है क्या डिफरेंट टाइप है क्या डिफरेंट सब कैटेगरीज हैं कहाँ कहाँ पर दिखाई देती है क्या एग्जाम्पल्स हैं क्या फीचर्स बनाती हैं कौन से नेचुरल फिनोमिनाज इनके साथ एसोसिएटेड हैं एंड इसके साथ ही में हम पढ़ेंगे विल्सन साइकिल या फिर सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल क्या होता है इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे अगले पंद्रह मिनट स्टे विद मी इट इट्स गोइंग टू बी सुपर सुपर इजी टॉपिक फॉर यू देखो अर्थ में कुछ स्पेसिफिक जगह पे कुछ स्पेसिफिक फीचर्स दिखाई देते हैं जैसे कि रिंग ऑफ फायर है यहाँ पे हाई वोल्केनिक एक्टिविटीज एंड हाई अर्थ क्यों दिखाई देती है जैसे कि हिमालयाज है हाई अर्थ एक्टिविटीज दिखाई देती है बट वोल्केनिक नहीं दिखाई देता है ऐसे कुछ स्पेसिफिक फीचर स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही क्यों होते हैं इसका आंसर मिलेगा अर्थक्विक के अंदर जब हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सी फ्लेट थ्योरी स्प्रेड थ्योरी एंड कन्विशन करंट थ्योरी पढ़ लिया था तो उसके बाद में इन सारी थ्योरीज को एक जगह पे कोलेक्ट करने का टाइम आया तो 1967 में सेवन एंड पार्कर ने सजेस्ट की थी कि नाउ दिस इज द टाइम टू ब्रिंग द थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक हालांकि टेक्टोनिक थ्योरी में कुछ भी नया इन्वेंशन नहीं था जैसे कि सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी में था या जैसे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में था ये बस पीछे दी हुई थ्योरीज का एक ऑलिजन था तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलता क्या है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहता है कि अर्थ का जो लिथोस्फेयर है वो डिफरेंट डिस्टिंक्टिव प्लेट्स के अंदर ब्रोकन है जाहिर सी बात है पूरी अर्थ एक प्लेट में तो हो नहीं सकती है मूवमेंट कैसे होगा तो ये मूवमेंट की वजह से कन्वेक्शन करंट के मूवमेंट की वजह से लिथोस्फेयर जो है वो डिफरेंट प्लेट्स में ब्रोकन है अब ये प्लेट हॉरीजोंटली मूवमेंट करती है एक दूसरे के पास एक दूसरे से दूर एक दूसरे से स्लाइड होके ये मूवमेंट किसके ऊपर करती है ये एस्थोनसफेयर के ऊपर मूवमेंट करती है जो कि अपर मेंटल का पार्ट है ठीक है अब ये एस्थोनसफेर के ऊपर जब मूवमेंट करती है ये डायग्राम छोड़ देते हैं डायरेक्टली कमिंग किया तो इसमें इस मूवमेंट इस के अंदर जो प्लेट्स हैं अब ये प्लेट में देखो पूरी की पूरी प्लेट है फॉर एग्जाम्पल सी हियर सी हियर जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है अब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के अंदर क्या है कॉन्टिनेंटल पार्ट भी है और ओशनिक पार्ट भी है तो किसी एक प्लेट के ऊपर कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक दोनों पार्ट आ सकते हैं

थिक थनेस है वो कम होती है लेकिन डेंसिटी बहुत होती है और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है जो सियालिक मटीरियल की बनी होती है वो रिलेटिवली थिकर होती है बट डेंसिटी उसकी कम होती है अब जब ये लिथोस्फेरिक प्लेट या जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये मेजर या माइनर प्लेट्स कॉन्टिनेंटल प्लेट इन ओशनिक प्लेट के कॉम्बिनेशन से भी बन सकती हैं और ये सेपरेट प्लेट भी बन सकती है कि सिर्फ कॉन्टिनेंटल प्लेट या सिर्फ ओशनिक प्लेट भी हो सकती है जब ये प्लेट एक दूसरे की तरफ कन्वेक्शन करंट से या, या एक दूसरे की दूर मूवमेंट करती है तो उसमें अर्थ के डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं बात करेंगे कि डिफरेंट फीचर में किस तरीके के डिफरेंट लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं इनका मूवमेंट का फोर्स क्या है ये जो फोर्स ऑफ प्लेट मूवमेंट है ये कन्वेक्शन करंट होता है जो कि थर्मल ग्रेडियंट की वजह से जनरेट होता है डिटेल में स्टडी करेंगे बट पहले बात करते हैं मेजर टेक्टोनिक प्लेट कौन कौन सी है देखो सात मेजर टेक्टोनिक प्लेट है इसी डायग्राम में देखते हैं हम सबसे पहले यू विल सी वी हैव नॉर्थ अमेरिकन प्लेट नंबर वन देन वी हैव यूरेशियन प्लेट जो दोनों की दोनों लोरेशिया की पार्ट थी पूरा नॉर्थ अमेरिकन पार्ट हो गया हैस्ट्रेलियन प्लेट ये पूरी एक प्लेट बनती है छन वी हैव दंटार्टिका प्लेट सेवन और ये जो तीन चार पांच छह सात ये बना है ये पूरा का पूरा गोंडवाना का, का पार्ट था ठीक है अब इनके बीच में आपको छोटी छोटी प्लेट्स दिखाई देंगी जैसे कि आपको नाजका प्लेट दिखाई दे रही है पैसिफिक एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच में जैसे कि आपको अरेबियन प्लेट दिखाई दे रही होगी ये वाली जो पोर्शन है रेड कलर की ये अरेबियन प्लेट है ये आपकी अफ्रीकन यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट के बीच में सैंडविच्ड है यहाँ पे आपको फिलिपिनो प्लेट दिखाई दे रही होगी ठीक है पे पे आपको आपको प्लेट दिखाई दे रही होगी कोकोस प्लेट दिखाई दे रही होगी जो पैसिफिक प्लेट एंड सेंट्रल अमेरिका के बीच में प्लेट है यहाँ पे करेबियन प्लेट दिखाई दे रही होगी तो ये सारी माइनर प्लेट है जो मेजर प्लेट के बीच में जो बनी हुई प्लेट है उनको हम बोलते हैं ओके okay, अब ये मेजर प्लेट बनती कैसे हैं ये जब कन्वर्जिंग प्लेट्स plates... कन्वर्जिंग मेजर प्लेट में जब स्ट्रेस होता है तो उसकी वजह से इन माइनर प्लेट्स का क्रिएशन होता है इनकी अपनी यूटिलिटी है जैसे आप नास्का प्लेट को देखो नास्का प्लेट की लोकेशन यहाँ पे है कि नास्का प्लेट ही है जो यहाँ नीचे सबडक्शन में जाती है साउथ अमेरिकन प्लेट की क्योंकि नास्का प्लेट पूरी की पूरी ओशनिक प्लेट है इसी सबडक्शन की वजह से यहाँ पे एंडीज बनते हैं बने हुए हैं मतलब कि ओके अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्लेट के मोशन का मतलब कि जो हमें डिफरेंट फीचर दिखाई देते हैं कि मिड ओशनिज्म अर्थ पे एक माउंटेन फोल्ड माउंटेन ब्लॉक माउंटेन ये सब जो बने हुए हैं ये सारे के सारे फीचर्स इन्हीं प्लेट के इंटरेक्शन की वजह से बने हुए हैं इन प्लेट का इंटरेक्शन जनरली तीन तरह का होता है पहला होता है कन्वर्जेंट कन्वर्ज कर रही है आपस में मिल रही है टकरा रही है जब दो प्लेट आपस में टकराएंगी तो डिस्ट्रक्शन होगा इसीलिए कन्वर्जेंट प्लेट को डिस्ट्रक्टिव प्लेट भी बोलते हैं दूसरा है डाइवर्जेंट डाइवर्ज diverge हो रही है जब दो प्लेट आपस में डाइवर्ज होगी तो यहां से निकलता हुआ मैग्मा करता हुआ मैगमा पे नया फोल नया फ्लोर क्रिएट करेगा नई क्रस्ट क्रिएट करेगा नई अर्थ की लेयर क्रिएट करेगा जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इसीलिए हम बोलते हैं इसे कंस्ट्रक्टिव डाइवर्जेंट कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री थर्ड होता है ट्रांसफॉर्म या फिर ट्रांस कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री मतलब दो प्लेट्स आपस में टकरा नहीं रही है बस साइड बाय साइड खिसक के निकल रही है लेकिन जब निकलेंगी तो क्योंकि प्लेट की रिजेस होती हैं स्मूथ नहीं होती है, की से यहां पे। है तो ये तीन मेजर टाइप ऑफ अर्थ क्विक्स प्लेट्स हैं सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्जेंट डिस्ट्रक्ट कन्वर्जेंट या फिर डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री की कब यह होगा जब भी दो प्लेट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी सेम डायरेक्शन में मूवमेंट क्या होता है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट क्या होता है एक इधर और एक इधर जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के डायरेक्शन में मूवमेंट करती हुई एक दूसरे से टकराती है कन्वर्ज करती है कोलाइड करती है तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट या फिर डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री जब ये बाउंड्रीज एक दूसरे से टकराती हैं तो अब डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी दो प्लेट टकरा रही हैं क्या कॉन्टिनेंट टकरा रही है क्या कॉन्टिनेंट ओशन टकरा रही है क्या ocean या ओशन या ओशन बाउंड्री टकरा रही है कौन से प्लेट टकरा रही है उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ फीचर्स जनरेट होते हैं जैसे कि हम वन बाय वन करके देखते हैं मतलब ओशन ओशन कन्वर्जेंस हो सकता है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो सकता है या ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो सकता है सारी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है यहाँ पे वन बाय वन करके देखते हैं पहले देखते हैं ओशन ओशन कन्वर्जेंस में ओशन ओशन कन्वर्जेंस का मतलब ये नहीं है कि दो ओशन आपस में टकरा रहे हैं ओशन ओशन कन्वर्जेंस का मतलब है कि दो ओशनिक प्लेट जो कि थिन है बट हायर डेंसिटी की है आपस में टकरा रही है जब ये प्लेट आपस में टकराएंगी तो जो डेंसर ओशनिक प्लेट होगी वो नीचे सबडक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगी सबडक्शन क्या होता है वेट लेट सी हियर सबडक्शन क्या होता है इस ये जो दोनों स्लाइड हैं ये मैं समझा रही हूँ इसलिए ध्यान से इस इस वाले डायग्राम पे फोकस करना जब दो ओशनिक प्लेट आपस में टकराती है तो जो डेंसर होगी मतलब जिसकी डेंसिटी हाई होगी वो लोअर डेंसिटी की प्लेट के नीचे इस तरीके से खिसकना स्टार्ट कर देगी मतलब आप हमेशा देखना कि आप अभी मेरे पास है नहीं यहाँ पे कुछ जब भी दो सिमिलर डेंसिटी के ब्लॉक ब्लॉक मत लेना आप मतलब ये समझना कि अगर कोई डिफरेंट दो डेंसिटी की चीजें आपस हाँ में टकराएगी तो इवेंचुअली या तो वो टकरा के ऐसे चली जाएंगी या उनमें से कोई एक उसके नीचे चली जाएगी तो जब ये हायर डेंसिटी की प्लेट जो हायर डेंसिटी की होगी जब ये लोअर डेंसिटी की प्लेट के नीचे इस तरीके से खिसकना स्टार्ट होगी इसे हम बोलते हैं जोन ऑफ सबडक्शन क्या बोलते हैं जोन ऑफ सबडक्शन इसी जोन ऑफ सबडक्शन के अंदर ये जो ओशनिक प्लेट है ये नीचे धीरे 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 सॉफ्ट एस्थोनोसफेयर के अंदर सबडक्शन मतलब नीचे घुसना स्टार्ट हो जाती है मतलब कि नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है अब जैसे जैसे ये नीचे जाएगी अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई है तो इस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से ये सबडक्शन वाली प्लेट मेटामोफाइज होना स्टार्ट हो जाती है मेटामॉर्फिज़म कैसे होता है सेडिमेंट्री या वोल्केनिक सेडिमेंट्री uh, या फिर कोई भी वॉल्केनिक रॉक जो होती है जब उसे हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर में रखा जाता है तो वो मेटामोरफाइज हो जाती है तो सिमिलरली ये प्लेट भी क्या होगी धीरे धीरे सबडक्शन में जैसे ही हंड्रेड किलोमीटर पे पहुंचेगी ये मेटामॉरफाइज हो जाएगी ये पिघल जाएगी पिघलेगी मतलब अब यहाँ पे हाई प्रेशर तो है ही और लोअर डेंसिटी हो जाएगा क्योंकि ये मेल्ट हो गई है तो उसकी वजह से क्या होगा ये ऊपर की फोर्स की तरफ फोर्स वजह से ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगी जब ये मैग्मा ये मोल्टन मैग्मा जब ये प्लेट यहाँ पे जाके पिघल जाएगी और बुय्स फोर्स की वजह से ऊपर आने की कोशिश करेगी तो यहाँ पे ओशन फ्लोर पे ध्यान रखना ये पूरा ओशनिक प्लेट है कोई कॉन्टिनेंट नहीं है यहाँ पे वहां पे यहाँ पे ये वोल्केनिक इरप्शन करेगा अब क्योंकि दोनों प्लेट मूव कर रही है कंटिन्यूअसली मूवमेंट है तो ये धीरे धीरे वॉल्केनिक करप्शन यहाँ पे फिशर्स करके होता रहेगा होता रहेगा बिलियंस ऑफ इयर्स तक जब तक कि अगर वो वॉल्केनिक इरप्शन ओशन की सरफेस ओशन के पानी से ऊपर निकल जाता है तो वो आइलैंड बन जाएगा जैसे कि हमारा फिलिपिन आइलैंड है जैसे कि हमारा जापानीज आइलैंड है जैसे कि हमारा करेबियन आइलैंड है वो सारे के सारे वोल्केनिक आर्क से बने हुए आइलैंड हैं अगर नहीं निकलता है तो वो नीचे गोयस के अंदर रह जाएगा कि वो नीचे वो, नीचे अंडर माउंटेन वोल्केनिक अंडर ओशन वॉल्केनिक माउंटेन के अंदर क्रिएट हो जाता है तो इस तरीके से हमारे बनते हैं आइलैंड आर्क इसके एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेगा जैसे कि फिलिपिन ट्रेंच क्रिएट होता है जब फिलिपीन प्लेट सुंडा प्लेट के नीचे जो कि एक मेजर यूरेशियन प्लेट के पास है कि देखो ये है सुन्डा प्लेट ये है प्लेट, ये प्लेट है प्लेट है प्लेट 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 सुंडा सुंडा की लोअर डेंसिटी है फिलिपिन की हायर डेंसिटी है ये फिलिपिन प्लेट जब सुंडा प्लेट के नीचे की तरफ सबडक्शन में जाएगी तो यहाँ पे वॉल्केनिक पूरा का पूरा ये जो दिख रहा है आपको फिलिपिन आर्क ये क्रिएट होता है सो दिस इज द फिलीपीन आइलैंड आर्क

सबडक्शन जोन क्रिएट नहीं होता है तो ऐसी प्लेट्स जब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती है तो सबडक्शन नहीं होगा इसका मतलब है कि कोई भी प्लेट अंदर जाके मेटामोरफाइज होके वॉल्किन नहीं करेगी बट यहाँ पे क्रिएट होता है सुचर जोन जब दोनों प्लेट आपस में टकराती हैं तो वो एक बकलप हो जाती हैं मतलब यू you नो know, जब दो बराबर शक्ति के लोग भिड़ेंगे तो क्या होंगे मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा ना मैं झूको ना तू झुके दोनों एकदम टकरा जाएंगे और एक सूचर जोन क्रिएट हो जाता है ये सूचर जोन बड़ा डेंजरस होता है यहाँ पे बहुत हाई अर्थ पे प्रोन एरियाज होते हैं ये अब जब ये एज कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्च तो ओशनिक पेसिंग या फिर जब कन्वर्ट करेगी तो जो भी उनके बीच का एरिया था वो क्या करेगा स्क्वीज अप हो जाएगा जैसे कि हिमालय राइज अप हैं जो कि तेज से सी के सेडिमेंट से बने हुए हैं ये जब हम माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज पढ़ेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तो ये जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में धीरे 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 खिसकना शुरू हुई बीच में जो तेज सी था तो पानी तो हट गया और जो सेडिमेंट्स थे वो धीरे 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 उसके टकराने से राइज अप हुए एंड हिमालयाज हुए जो हिमालय अभी भी राइज अप हो रहा है तो जैसे कि हिमालयाज एल्पस्यूरोल एल्पेचियम्स और एटलस माउंटेन ये सारे के सारे फोल्ड माउंटेन क्रिएट हुए हुए हैं कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस की वजह से ठीक है है अच्छा अब दूसरी बात देखो ओशनी क्रस्ट जो है ना वो सिर्फ पांच से तीस किलोमीटर थिक होती है मैंने आपको बताया था कि वो उसकी थिकनेस ज्यादा नहीं होती है वो थिनर होती है कंपैरेटिवली उसकी डेंसिटी हाई होती है लेकिन कॉन्टिनेंटल प्लेट पचास से सत्तर किलोमीटर तक के थिक होती है तो ऐसे में मैग्मा पचास से सत्तर किलोमीटर तक का पेनिट्रेशन नहीं कर पाता है इस वजह से ऐसे जोन्स में कभी भी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं मेटामॉर्फिक रॉक मिलेगी जैसे हिमालयस के अंदर सेडिमेंट्री रॉक मिलेगी मेटामॉर्फिक रॉक भी मिलेगी बट आपको वोल्केनिक ऑरिजन की रॉक नहीं मिलेगी आपको वोल्केनो नहीं मिलेगा यहाँ पे ठीक है इसी वजह से कोई नहीं होता है कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस जैसे कि कॉर्डुलराज कन्वर्जेंस होता है जैसे कि रॉकीज एंड एंडीज जिससे बने हुए हैं मतलब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और एक ओशनिक प्लेट है अब क्या होगा वेट पोस्ट करो सोच के देखो जब कॉन्टिनेंटल एंड ओशन प्लेट आपस में टकराएगी तो क्या होगा डेंसर कौन है ओशनिक तो क्या करेगी ओशनिक प्लेट नीचे धीरे-धीरे धीरे-धीरे सबडक्शन में जाएगी जब ये सबडक्शन में जाएगी तो एक ट्रेंच क्रिएट करती है ट्रेंच मतलब एक होलो जगह क्रिएट कर देती है मतलब ऐसे समझो ये दो प्लेट्स हैं ये वाली ओशनिक प्लेट है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट, प्लेट है जब ओशनिक प्लेट इसके नीचे जाएगी तो यहां पे एक होलो मतलब बहुत डीप जैसे कि मेरियाना ट्रेंच 11 किलोमीटर गहरा है तो एक बिल्कुल गहरा खाई टाइप क्रिएट हो जाती है और ये जब सबडक्शन में नीचे जाएगी यहाँ पे तो क्या होगा बिल्कुल वही जो ओशन ओशन कन्वर्जेंस में हो रहा था बट वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन ओशियन फ्लोर पे हो रहा था यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन कॉन्टिनेंटल फ्लोर पे होगा जिसकी वजह से यहाँ पे वॉल्केनिक ऑरिजन के माउंटेन्स क्रिएट हो जाएंगे

ठीक है कन्वेक्शन क्रिएट कर देगा इसलिए हम हाँ इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन हो रहा है नई प्लेट नई प्लेट नहीं मतलब नए फ्लोर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है ठीक है जैसे कि हमारा मिड ओशनिक रिज है जहां पे अच्छा अब जहां जहां पे ये होगी वहां पे पास में कुछ फ्रैक्चर जोन भी होते हैं जहां से फ्रैक्चर जोन मतलब वही जहां से दो प्लेट खिसक रही है आपस में वहां पे इंटीरियर से मोल्टन रॉक निकलती है और एक नया क्रस्ट फॉर्म होता है अब यहाँ पे जनरली शेलो अर्थ माउंटेन क्रिएट होते हैं वो प्लेट की ये ये आप बोल सकते हो कि फिनोमेना के साथ ये सारे फीचर्स एसोसिएटेड है अब डाइवर्जेंट प्लेट भी दो तरह की हो सकती है जब ओशन ओशन डाइवर्जेंट हो रहा है या फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट हो रहा है जब भी डाइवर्जेंस होगा तो या तो नया कॉन्टिनेंट क्रिएट होगा नया सी क्रिएट होगा नया uh, कुछ मतलब दे, वुड बी उट ऑफ इट तो जैसे कि ओशन ओशन डाइवर्जेंस है मिडल प्लाटिक रिच के अंदर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट है अफ्रिकन ड्रिफ्ट वैली के अंदर एक एक करके देखते हैं ओशियन ओशन डाइवर्जेंस में क्या है ओशनिक प्लेट दोनों एक दूसरे से पुल हो रही है, दूर जा रही है, खींच रहे जब स्प्रेड होगी तो नीचे वाला जो मैग्मा है वो क्या होगा वो तो वैसे भी बहुत ही आम, हाई प्रेशर के अंदर है उसे तो जगह चाहिए जैसे ही दोनों निकलेंगी दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर खिसकेंगी कहीं पे थोड़ा सा फॉल्ट क्रिएट हुआ क्रैक क्रिएट हुआ वहीं से बोल के नहीं करप्शन होना स्टार्ट हो जाएगा बारिश हो रही है आज बहुत तेज तो जो मैग्मा है वो फटाफट से निकलना स्टार्ट हो जाएगा और एक नई ओशनी क्रस्ट का स्टार्ट होगा जैसे कि मिड अटलांटिक रिज है यहाँ पे आप देखो ठीक है ओके सेकेंड uh, आती है हमारी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस जो कि हमें अफ्रीकन प्लेट पर दिखाई देती है आपने ग्रेट लेक्स के बारे में सुना होगा ना कि यूएसए के अंदर फाइव ग्रेट लेक्स है सिमिलरली अफ्रीकन ग्रेट लेक्स भी हैं जो कि बनी हुई है इसी रिफ्ट की वजह से रिफ्ट का मतलब क्या होता है हम बोलते हैं ना कि दो दोस्तों में रिफ्ट आ गया है दरार पड़ गई है मतलब इधर भी दरार पड़ गई है अब यहां पे African plate में दरार इस तरह पड़ी है कि वो कॉन्टिनेंट को दो पार्ट में धीरे-धीरे-धीरे कर रही है it is creating a fault in that और ये Rift Valley create कर रही है, जहां पे अभी तो एक uh, ocean बना हुआ बट इवेंचुअली इट विल फॉल अ पार्ट इवेंचुअली इट विल इवन लाइक डाइवर्ज कम्प्लीटली अफ्रीकन प्लेट एंड सोमालियन प्लेट को बिल्कुल अलग कर देंगी ये जो हम जैसे अफ्रीकन हॉर्न बोलते हैं ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको हम सोमालियन प्लेट बोलते हैं ठीक है ये सोमालियन प्लेट क्या करेगी ये सोमालियन प्लेट इधर मूवमेंट हो रही है और ये हमारी अफ्रीकन प्लेट है ये इधर मूवमेंट हो रही है ये है हमारी अरेबियन प्लेट ये इधर खिसक रही है तीनों प्लेट एक दूसरे से दूर खिसक रही है इसी खिसकने की वजह से यहाँ पर रेड सी का डाइवर्जेंस हुआ हुआ है रेड सी बना है और उसी की वजह से यहाँ पे ग्रेट लेक्स बनी हुई है और यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन भी होता है जैसे कि तंजानिया माउंटेन है वहाँ पे ठीक है सो दिस इज वॉट इट इज यहाँ पे ये पूरा तंजानिया क्रेटोन बना हुआ है दिस इज ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली तो ये कौन सा पार्ट हुआ ये हुआ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट तो जब यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पे ओशन क्रिएट हो रहा है तो समथिंग वुड बी क्रिएटेड तो ये बहुत फ्यूचर के अंदर इन इन लाइक नेक्स्ट मिलियंस एंड मिलियंस ईयर इस तरीके से ये सोमालियन प्लेट बिल्कुल अफ्रीकन प्लेट से सेपरेट हो जाएगी जब ये सेपरेट होगी तो इसके साथ में मेडागास्कर भी सेपरेट होगी ये पूरा पोर्शन मतलब दिस वुड बी ए मेजर मेजर जियोलॉजिकल शिफ्ट ठीक है इस तरीके से एक पूरा मेजर ओशन बन जाएगा ओके okay. थर्ड आती है हमारी ट्रांसफॉर्म या फिर कंजर्वेटिव बाउंड्री मतलब ट्रांसफॉर्म खिसक रही है एक दूसरे से एक प्लेट जब दूसरी प्लेट को स्लाइड पास्ट करते हुए खिसकती है तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम ट्रांसफॉर्म या फिर कंजर्वेटिव बाउंड्री बोलते हैं इस तरह की प्लेट में कोई भी एक दूसरे से टकरा नहीं रही है दूर नहीं जा रही है सिंपल बहुत सिंपल है तो मतलब इसमें किसी भी तरह का ना तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना ही डिस्ट्रक्शन हो रहा है सिंपली दो प्लेट वॉलीजोनटली एक दूसरे से स्लाइड पास हो रही है जब ये ट्रांसफॉर्म या कंजर्वेटिव बाउंड्रीज होती हैं तो कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी कोई माउंटेन कोई ट्रेंचेस कुछ नहीं बनता है सिंपल सी बात है जब दो मेजर प्लेट आपस में खिसका आपस में एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में खिसकेंगी नहीं रही है खिसक रही है जब खिसकेंगी तो इनकी जो एजेस हैं वो रफ होती हैं आपस में ब्लॉक हो जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा बस वॉल्केनिक सॉरी वॉल्केनिक अर्थ एक्टिविटीज बनती हैं जैसे कि सेंट एंड्रयूज फोल्ड है यहाँ पे ट्रांसकरेंट uh, एजेस जो है यहाँ पे ये यह देखो ये आपको दिखेगा भी यहाँ पे कि एक्चुअली ये फीचर बहुत बड़ा है ये मतलब सैटेलाइट से बहुत इजीली रिकॉग्नाइज हो जाता है तो ये है हमारी ट्रांसफॉर्म एंड कंजर्वेटिव बाउंड्रीज ठीक है तो दैट इज इट अच्छा अब लास्ट टॉपिक बचता है इस पूरे मेजर टॉपिक का दैट इज विल्सन साइकिल एंड सुपर कॉन्टिनेंट क्या होते हैं देखो Um, जब हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा था ना तो उसमें एक पॉइंट उसके क्रिटिसिज्म में था कि वो कार्बनी फॉरेस्ट एरा की क्यों बात कर रहा है एल्फ्रेड वेगनर ने बोला कि पेंजिया जो है वो uh, कार्बनी फॉरेस्ट एरा में था तो पहला उनका क्रिटिसिज्म था कि वाई आर यू अगेन अगेन टॉकिंग अबाउट कि कार्बनी एरा उससे पहले क्या है तो एक कैनेडियन uh, जियोफिजिसिस्ट uh, थे जे टूजो विल्सन इन्होंने बोला कि ये जो देख रहे हैं ना हम कि पेंजिया था फिर लोरिशा गुंडवाना बना फिर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बने और अभी भी प्लेट्स खिसक रही हैं ये साइकिल है ये तो चलता रहेगा ये जियोलॉजिकल इविडेंस अभी भी सजेस्ट करते हैं कि बहुत बार ओशनिक बेसन आपस में क्लोज हुए हैं ओपन हुए हैं मतलब कि आप ऐसे समझो कि बहुत बार ये कॉन्टिनेंटल रेप्चर होता रहेगा फॉर्मेशन ऑफ वाइड ओशंस होता रहेगा यहाँ पे मतलब प्लेट्स मूवमेंट करके क्लोज होती रहेंगी बंद होती रहेगी जैसे अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली में है आज अफ्रीका एक साथ है कल को टूट के बिखर जाएगा हो सकता है कि कल को मेडा चिपक जाए हो सकता है कि कल को अफ्रीकन uh, वैली इधर कॉन्टिनेंटल और भी ज्यादा इधर वेस्टर्न uh, डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाए तो ये जो क्रिएशन है ये जो पूरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स हैं उसको ही हम विल्सन साइकिल बोलते हैं तो मतलब कि आज दूर है कल हो सकता है कि वापस किसी सबडक्शन बाउंड्री कोई नई बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी तो वो वापस में एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो इसी को हम विल्सन एंड कॉन्टिनेंटल साइकिल बोलते हैं अच्छा ये वाली जो स्लाइड है दिस आई आई विल अपलोड अपलोड आस्क द टीम टू इट आप एक बार देख लेना और या फिर इसके स्क्रीन ले लो कि विल्सन साइकिल क्या है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है एंड दैट इज वॉट दिस इज वॉट सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल ऑल्सो मतलब हमें ये ऐसे एविडेंस मिले स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिले थे रिसर्चर uh, को कि कॉन्टिनेंट्स वर्स वर्स जॉइंट इंटू सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया मैं बेंजिया की बात ही नहीं कर रही मैं रोडिनिया की बात कर रही हूँ जो 600 सौ मिलियन साल पहले था जब ये रोडिनिया ब्रोक अपार्ट हुआ कॉन्टिनेंट कन्वर्ज अबाउट चार सौ मिलियन साल पहले

हम कंस्ट्रक्टिव को कंस्ट्रक्टिव क्यों बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव को डिस्ट्रक्टिव क्यों बोलते हैं क्या डिफरेंट फीचर्स हैं कहाँ कहाँ पे हमें दिखाई देती है स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू मैं इट इन दी कॉमेंट सेक्शन बॉक्स अगर कुछ दूसरे टॉपिक है यू बीच मी टू टेक इट अप टेट डेफिनेटली टेक इट अप एंड अपड इज इट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो बाय जय हिंद